नमस्कार, मैं शालू तोमर, आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। यूपी 24 न्यूज़ की खबर का हुआ असर। हरनगर स्थित गौशाला पर जो गाय ठंड से परेशान थी, उन पर आज टाट के बोरा उड़ाकर हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ठंड से बचाने का काम किया। दो दिन पहले यूपी 24 न्यूज़ ने गायों को लेकर ये खबर चलाई थी। ये वही गाय हैं जो दो दिन पहले ठंड से ठिठुर रही थी, लेकिन जब यूपी 24 न्यूज़ ने आर्यनगर स्थित गौशाला में गायों को लेकर खबर दिखाई, तब हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने इन सभी गायों को सर्दी से बचाने के लिए आज इन गौमाता के लिए टाट के बोरों को गायों के लिए सिलवाकर उन्हें उड़ाकर उनको ठंड से बचाने का कार्य किया है। अब गायें ठंड से बच सकेंगी और उन्हें आराम भी मिलेगा। हिंदू वाहिनी का महानगर प्रभारी योगेंद्र जी, जैसे यहाँ आप लोगों ने यहाँ पर गाय है जो गौशाला या नगर में स्थित गौशाला है या गांव को ठंड का भी पड़ रही है, इस पर बचाव के लिए व्यवस्था की गई है, तो किस तरीके की व्यवस्था की गई और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का, खासकर यूपी न्यूज़ 24 का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ज्वलंत और एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया और हिंदू युवा वाहिनी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और आपकी जब ये चैनल पर चली खबर, उसके बाद हिंदू वाहिनी के महानगर अध्यक्ष भारत सिंह जी ने इस न्यूज़ को देखने के बाद तत्काल में नगर निगम से और हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमको गायों की जो झूल की है उनके कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए, और सभी ने, नगर निगम ने और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वतः के योगदान से अपना इनके लिए व्यवस्था की है कंबलों की। दैनिक दिनचर्याओं में आजकल सभी लोग काफ़ी व्यस्त हैं, संगठन के लोग, हिंदू वाहिनी के लोग भी अन्य कामों में व्यस्त हैं, लेकिन मीडिया बंधुओं के जरिए हमें जब ज्ञात हुआ कि हमारा ध्यान कुछ गौशाला से अलग है, तो उनके द्वारा दिखाई गई न्यूज़ को हमने संज्ञान में लेते हुए एक तत्काल एक आपात बैठक बुलाई गई हम लोगों के द्वारा, और संगठन के सभी लोगों ने बैठ कर विचार विमर्श किया, और जो गाय ठंड में ठिठुर रही थी या जो हमारी गौशाला में जो गाय हैं या बस स्टैंड पर जो रोड पर जो आवारा गाय भी घूम रही हैं, उनके लिए तत्काल कंबलों की व्यवस्था करवाई जा रही है। फिरोजाबाद से दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ के साथ शैलेश झा की रिपोर्ट।